कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और होंडा ज्यादा लग रहे थे। होंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंज कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपंज कर दें जी। एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी एक्सपंज, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज हैं। प्राइम मिनिस्टर कम यू टर्न ज्यादा लग रहे थे कल। झूठ नहीं बोलना मगर आप क्या बोलते हैं मैं सिर्फ इजाजत हूँ पढ़ लो। ये अगर गलत इसमें एक लफ्ज गलत हो मुझे कहा जाए कि ये इल्जाम तराशी है तो मैं माफी मांगू। अच्छी बात कर रहे हैं। कर्जा नहीं लूंगा, एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बिल्डोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यू आर लिसनिंग सम वॉइसेस और नॉट, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा, यहाँ हिशी शेबर भी होगा, चुच भी होगा, और ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़कर जूती भी। देखा कैसा काम चलता है पाकिस्तान के असेंबली में, इसीलिए ये देश इतना तरक्की कर रहा है। संसद में चुमाचाटी के बाद एक पुरुष सांसद ने नुसरत अब्बासी को अकेले चेंबर में मिलने को बुलाया, उसके बाद क्या हंगामा हुआ आप खुद देखिए। तो अच्छा अब आप जरा प्लीज सुन लें, मेरे चेंबर में आ जाए वहाँ पढ़ के बता दो। चेंबर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप, आप जो जिस तरीके से बात नहीं, करते हैं ना, नुसरत साहिबा कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर हमारे अपने। पाकिस्तान के असेंबली में ये सब नॉर्मल है, यहाँ ये सब रोज चलता है, जुम्मा जाती प्यार, एक दूसरे को मारना, गालियाँ देना, ये सब नॉर्मल है उनके लिए, ये तो कुछ नहीं। आगे देखो क्या हुआ है। आप दे सकते हैं, बहुत हो गया है, मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे, एक जूते दिखाए डर, आप पलट के देखें, आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। हमने आपको पाकिस्तान के असेंबली में क्या क्या होता है ये सब कुछ दिखा दिया, पर और एक बाकी है, यहाँ प्यार भी होता है। हाँ देखे कैसे प्यार करते हैं असेंबली में। सिंध असेंबली के इजलास में अरकान यूं एक दूसरे से मिले जैसे कप के बिछड़े हों। खासकर पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नईम खरल ने तो हद ही कर दी। इजलास से कबल इन्हीं की पार्टी की एमपीए कुलसुम चांडियो ने इनसे पुरजोश मुसाफा किया, मगर नईम खरल के जोश और जज्बे ने इन्हें इस कदर परेशान किया कि कुलसुम चांडियो को जबरदस्ती हाथ छुड़ाना पड़ा। इजलास शुरू हुआ फिर आधे घंटे बाद ही मुलतवी हो गया, मगर मंजर एक बार फिर वही था। देखा कितने अच्छे तरीके से काम चलता है पाकिस्तान के असेंबली में, इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान का लोहा मानती है। इसी के कारण पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश होगा वो पाकिस्तान होगा, वो दूसरे देशों को कर्ज देता है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।